हेलो गाइस, वेलकम टू टेक यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज डेट है 8 अगस्त और रियलमी का इवेंट है इंडिया में। क्वाड कैमरे का जो सेटअप आने वाला 64 मेगापिक्सल का, उसका रियलमी ने बहुत बड़े 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 यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया और धमाका कर दिया, मतलब एकदम से किल करके रख दिया है। क्योंकि यहां पर आपको जो चार मेजर हाईलाइटिंग फीचर जो इवेंट के थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा सेंसर वगैरह इस्तेमाल करेगा वो तो बताऊंगा। सेकेंड चीज कि क्या क्या यहाँ पर जो क्वाड कैमरे का सेटअप है तो क्या क्या यूज में आएगा वो बताऊंगा। कौन कौन से डिवाइसेस में आने वाले वो आपको बताऊंगा। और ये डिवाइसेस है इंडिया में कब लॉन्च होगा वो भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप कि आपके जो सारे डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे और आसान शब्द में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लेकर टारगेट रखता हूं 1000 लाइक्स का। आई होप कि आप पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईलाइटिंग फीचर जो कि 64 मेगापिक्सल कैमरे के बारे में। जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, अगेन ये सैमसंग की तरफ से आइसोसेल GW1 सेंसर का इस्तेमाल कराया गया है और 1.6 माइक्रोन पिक्सल का साइज देखने को मिल जाता है। रियलमी ने कुछ इमेजेस वगैरह भी शो है, जैसे कि आप देख सकते हो डिटेलिंग वाइज काफी जबरदस्त लग रहा है। और ओवरऑल आप देखोगे डायनामिक रेंज वगैरह भी काफी बढ़िया है, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह, लो लाइट का शॉट भी यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त अभी इमेजेस में देखने को मिल रहा है। अगर रियलिटी में ये इमेजेस वगैरह आ जाती है, मतलब कमाल कर देगा और DSLR की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, अगर आपको डेली लाइफ में यहां पर फोटोज लेना है तो। अब नेक्स्ट हाइलाइटिंग फीचर के बारे में बात करते हैं जो क्वाड कैमरा आने वाला है, बस में क्या-क्या फीचर देखने को मिलेगा। तो Realme ने ये भी बता दिया यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हो एक तो 64 मेगापिक्सल का आपको नॉर्मल कैमरा मिलेगा, प्राइमरी कैमरा। उसके बाद में यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जो तीसरा कैमरा, आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। और जो चौथा कैमरा है वहां पर आपको डेप्थ सेंसर वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको हार्डवेयर वाइज देखने को मिलेगा। अब तीसरे फीचर के बारे में बात करेंगे भाई, कौन कौन से डिवाइस में आएगा और नाम भी यहां पर कंफर्म हो चुका है। Realme ने खुद ही यहां पर इमेज पोस्ट करके बता दिया, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपको चार कैमरे वाला एक फोन नहीं आने वाला है, यहां पर ये तीन फोन आने वाले चार कैमरे के साथ में। Realme सीरीज में आपको यहां पर देखने को मिलेगा, Realme 5 में क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, Realme 5 Pro में क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा और Realme X Pro में भी आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। और सारे डिवाइसेज में आई होप कह रहे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बैक साइड में आप जैसे कि देखोगे तो यहां पर कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये तो मतलब कमाल कर दिया है कि ऐसा नहीं कि भाई चलो जो फ्लैगशिप फोन में यहां पर क्वाड कैमरा देंगे तो यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका मिड रेंज से लेकर बजट वाले फोन में भी आपको यहां पर ये सारे फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी, जो कि आउटस्टैंडिंग बात है और मतलब दिल ही खुश हो गया है। अब चौथे फीचर के बारे में बात करें कि भाई ये इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है, तो ये चीज भी यहाँ पर Realme ने बता दी कि इंडिया में जो इसकी लॉन्च डेट है या लॉन्च यहाँ पर रहने वाला है वो आपको दिवाली से पहले देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि अक्टूबर नवंबर में दिवाली रहती है, तो डेफिनेटली आपको जो सितंबर या अक्टूबर के मिड तक के आपको यहाँ पर ये तीनों फोन इंडिया में देखने को मिलेगा। मतलब Realme तीन फोन लॉन्च करने वाला और एक से एक यहाँ पर धमाकेदार फोन लॉन्च करेगा और तीनों के तीनों फोन यहाँ पर क्वाड कैमरे के साथ में मिलेंगे 64 मेगापिक्सल के साथ में। एकदम से किल कर दिया है, तो मतलब यहाँ पर जो Realme के जो मार्केट शेयर है वो बहुत से बढ़ने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे थे भाई कोई फोन लेने का, तो मैं आपको बोलूंगा भाई वेट कर लो, क्योंकि अभी तीन फोन आने वाले और क्वाड कैमरा अगर आपको इतने कम प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा, मतलब मजा ही आ जाएगा। तो वेट कर लो भाई, कोई भी फोन अभी फिलहाल के लिए परचेज मत करना। अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो डेफिनेटली Realme के तीनों फोन का वेट कर लेना। बाकी आपको यहाँ पर मेरी वीडियो कैसी लगी बताना नीचे कमेंट्स में। और आपको अभी क्या लगता है, Realme मतलब एकदम से मार्केट को किल कर देगा, Xiaomi को, सैमसंग को और बाकी सब ब्रांड्स को Realme हरा पाएगा नहीं हरा पाएगा? और आपको क्या लगता है, यहाँ पर जो 64 मेगापिक्सल का खाली Realme 5 में देखने को मिल रहा है, क्या ये बड़ी बात है या नहीं है अगर ये प्राइस 10,000 के अंदर लॉन्च हो जाता है? आपके क्या ओपिनियन है यहाँ पर ये चीज को लेके बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हमें तो सबको ऑडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको ऑडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।